हेलो नमस्कार गुड इवनिंग, आप सभी का स्वागत है। तो जल्दी से काम कीजिए, शेयर कर दीजिए, फिर आज का जो कार्यक्रम है उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बहुत सारे साथी, शिक्षा क्षेत्र से जुड़े हुए सभी साथी हमारे साथ जुड़ने का प्रयास करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें, जल्दी से इसको शेयर कर दें, क्योंकि आप सभी के लिए आज एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। बच्चों बिल्कुल जितने भी स्टूडेंट्स हैं एमकेएस से जो पहले पढ़ रहे हैं और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ेंगे आगे, उन सब के लिए एक बहुत ही अच्छा सरप्राइज़ है। इसी के अलावा जो टीचर्स हैं, स्कूल एडमिन्स हैं और जो दूर दराज के क्षेत्र के बच्चे हैं जिन तक शिक्षा नहीं पहुँच पाई है, उन तक भी एमकेएस पहुँचने का प्रयास करेगा। तो जल्दी से इसे शेयर कर दीजिए। और आज हमारे साथ जो है कई समाज सेवी योद्धा मौजूद हैं, तो इन सभी का स्वागत है। तो चलिए फिर आज के कार्यक्रम की शुरुआत जो है वो करते हैं। जी हाँ बिल्कुल, शेयर कर दीजिए। और सबसे पहले, क्योंकि शिक्षा की देवी माँ सरस्वती जी को प्रणाम करके हम आज का कार्यक्रम शुरू करेंगे, तो सर मेरा आग्रह है कि सरस्वती पूजन के लिए आप पधारें। हे वीणा वादिनी सरस्वती, हंस वाहिनी सरस्वती, विद्यादायिनी सरस्वती, नारायणी नमोस्तुते। तो बिल्कुल माँ सरस्वती के चरणों में सबसे पहले हम आशीर्वाद लेंगे माँ सरस्वती का, और उसके बाद जो है हम इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। तिलक कर और दीप प्रज्वलित करेंगे। तो दीप प्रज्वलन के बाद माँ सरस्वती का आशीर्वाद हमारे साथ है। तो चलिए फिर इस शुभ कार्य की शुरुआत करते हैं, क्योंकि शिक्षा का दान जो है वो महादान होता है, और इसी के साथ साथ रक्तदान भी महादान है, और दोनों महादानों को लेकर आज हम एक पहल की शुरुआत कर रहे हैं। तो चलिए फिर इसके आगे मैं ये कड़ी सौंप दूँ राम सर को कि वो आज का कार्यक्रम जो है उसको सुनियोजित ढंग से जो है सफल बनाए। आइए सर। माँ सरस्वती के चरणों में सत सत नमन करते हुए आज हम बहुत ही अच्छे माहौल में आप सभी के साथ एक नया इतिहास रचने जा रहे हैं, और इसके साक्षी हमारे साथ हैं कुछ साथी, और आप सबके सहयोग से, जैसा कि आप हमेशा ने देखा होगा, आपने आपका एमकेएच बच्चों को शिक्षा देने के साथ साथ और भी सामाजिक सरोकार के कार्य करता रहता है, और इस सामाजिक सरोकार को करते हुए लगातार आपके आशीर्वाद, आपके सहयोग, आपके सानिध्य में आगे बढ़ रहा है। तो पिछले दिनों में जैसा कि हम देख रहे हैं, सबसे बड़ा इस महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, इसका जो सबसे बुरा असर पड़ा, सबसे ज़्यादा असर पड़ा, वो सिर्फ और सिर्फ पड़ा, तो मैं ये कहूँगा सबसे ज़्यादा असर शिक्षा पे पड़ा, उन नन्हे मुन्ने बच्चों की शिक्षा पे पड़ा। और कहते हैं कि शिक्षा बहुत ही ज़रूरी है हमारे देश के लिए, किसी देश के विकास के लिए, तो हम अगर उस शिक्षा पर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा देश
जो है हमारी पीढ़ियां और हमारा समाज पिछड़ता हुआ चला जाएगा। तो इसी को ध्यान में रखते हुए एमकेएच ने पुनः एक और नया आयाम, एक नया जो है एक कदम बढ़ाया है, एक नया आयाम स्थापित करने जा रहा है। और वो ये है कि एमकेएच जो अपना ऐप चल रहा था या चल रहा है, उसमें जो है सिर्फ मोबाइल ऐप था वो, और उसमें बहुत सी परेशानियां ये आ रही थी कि कुछ बच्चे जो है, एक परिवार में दो तीन बच्चे हैं, वो क्या है कि उस ऐप में एक साथ बैठ करके नहीं पढ़ पा रहे थे। जब एक साथ बैठ करके नहीं पढ़ पा रहे थे, और या फिर ये कहें कि ढाणियों में, दूर दराज के गांवों में जो है कुछ बच्चे इकट्ठे होकर के बैठ के पढ़ नहीं पा रहे थे, तो उस उनको कैसे पढ़ाया जाए। तो लगातार एमकेएच आपके सबके साथ सहयोग से इस पर काम कर रहा था, मेहनत कर रहा था, और इसका प्रतिफल आप आज आपके सामने है। तो हमारे साथ जो है हमारे कुछ साथी हैं, समाज से भी हैं, क्योंकि आपको बता दें कि जो एक्सपर्ट स्कूलिंग जिस ऐप को आज हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और उसका मुख्य जो मोटो है वो समर्पित है रक्तदान को। कहते हैं जैसा कि रूबी ने बताया कि शिक्षा और रक्तदान दोनों ही महादान है, और दोनों महादान जब हम सभी मिलकर के करना शुरू कर देंगे तो हमारा देश दुनिया में, हमारे देश का नाम रोशन होगा और हमारा देश कभी पिछड़ेगा नहीं। तो मेरे साथ हैं ऐसे ही रक्तदाता समाज सेवी श्रीमान संजीव जी खिचड़, और ये हमारे जो है यहाँ जनप्रतिनिधि भी हैं। और इसके साथ साथ सबसे गौरवमयी बात यह है कि इन्होंने जो रक्तदान किया है, पूरे जिले में बहुत ज़्यादा बार रक्तदान करने का गौरव इनके पास है। 48 बार अब तक रक्तदान कर चुके हैं, और ये लगातार जो है युवाओं को रक्तदान के लिए प्रेरित करते हैं, एक बहुत बड़ी बात है। तो ये बहुत समय से समाज सेवा में लगे हुए हैं, समाज सेवक हैं, भामाशाह हैं, और ये कॉलेज में भी जो है सेवा दे चुके हैं, कई पदों पर रह चुके हैं, और आज 48 बार रक्तदान कर फिर हमारे बीच में पूरे राजस्थान को एक शिक्षा, एक संदेश देना चाहते हैं कि रक्तदान कितना बड़ा दान है। इसके साथ साथ ये एक चीज़ इस कड़ी में जोड़ना चाहते हैं कि रक्तदान के साथ साथ एजुकेशन यानी शिक्षा कितनी ज़रूरी है, तो इसको आज जो है आपके सामने रखेंगे। तो दूसरे हमारे साथी हैं जो एडवोकेट कृष्ण जालब, जो पूर्व में बार संघ अध्यक्ष हैं, वर्तमान वार संघ अध्यक्ष हैं, और ये गौशाला समिति में भी अपना योगदान देते हैं, सेवा करते हैं, समाज सेवी हैं, और रक्तदान इन्होंने भी बहुत बार किया है, 28 बार रक्तदान कर चुके हैं। ऐसे रक्तदानी हमारे बीच में हैं, और इन रक्तदानियों को मैं सलाम करता हूं, और इनको, इनसे हमें प्रेरणा मिल रही है कि हमें भी आगे बढ़ करके रक्तदान करना चाहिए, शिक्षा दान देनी करनी चाहिए, क्योंकि रक्तदान और शिक्षा दान महादान है। और एक शिक्षा देने से हजारों पीढ़ियां, मैं तो ये कहूँगा हजारों पीढ़ियां संवरती है, और एक रक्तदान से एक जिंदगी बच सकती है, एक बहुत बड़ी बात है। और इसी के साथ हमारे साथ है सुखपाल सिंह जी, जो हमारे साथ बैठे हैं। सुखपाल सिंह जी रामगढ़िया समाज से भी हैं और भारत विकास परिषद से जुड़े हुए हैं, ये 15 बार रक्तदान कर चुके हैं। तो इस तरह से ये हमारे साथी हैं। और इसी के साथ हमारे बीच आज अभी तक नहीं पहुंच पाए श्री गंगानगर से हमारे साथ पहुंचने वाले थे श्री राजीव जी खैतान, अध्यक्ष स्कूल शिक्षा परिवार श्री गंगानगर, लेकिन उनके प्रतिनिधि हमारे साथ हैं रमेश कुमार जी हरडू, व्यवस्थापक श्री के आर हरडू मेमोरियल पब्लिक स्कूल, और डाइट प्रभारी हैं हमारे स्कूल शिक्षा परिवार के, इन्होंने भी लगभग 15 बार रक्तदान किया है। तो आज ये पूरा समूह रक्तदानियों का है, और मैं आपको बता दूं कि मैंने भी आपके सहयोग से, आपके आशीर्वाद से लगभग 21 बार रक्तदान कर चुका हूं। तो आज रक्त, जब ऐप का की लॉन्चिंग हो रही है तो रक्तदान की बात क्यों हो रही है, ये आपके मन में आपके ये सवाल उठ रहा होगा। तो इसको, इस जिज्ञासा को मैं जरूर दूर करना चाहूँगा, क्योंकि एमकेएच सदा से ही अपने साथ समाज सेवा का बीड़ा उठाए हुए हैं, और समाज सेवा सिर्फ ये हमारे मतलब खून में, एक संस्कृति में है,
और मैं ये मानूंगा कि अगर समाज सेवा शिक्षा के साथ साथ अन्य करें तो कितनी बड़ी बात है। आपने देखा होगा कि पिछले दिनों में एक कैंप लगा और उसमें हमारी टीम ने, एमकेएच की टीम ने बढ़ चढ़ करके जो है रक्तदान किया। तो एमकेएच का ये एक नया आयाम स्थापित करने का मानस है, क्योंकि कैंप जो लगते हैं रक्तदान के वो बार बार हर जगह लगते रहते हैं, बहुत सी समाज सेवी संस्थाएं लगाती है, लेकिन कई बार क्या होता है कि किसी विशेष ग्रुप का रक्तदान मौके पे नहीं मिलता है। उस कड़ी पे हम काम करना चाहते हैं, क्योंकि आज जो है हमारा एक चेन बन चुकी है पूरे राजस्थान में, हमारे बहुत से साथी जो है हमारे साथ हैं और सभी के आशीर्वाद सहयोग हमारे साथ हैं। मैं आपका जो है ये कुछ कमेंट या चैट बॉक्स में नहीं पढ़ पा रहा हूं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि हमारा समय कीमती है और उस सभी का समय कीमती है और सभी जो है समय पे हम सभी काम करते हुए चले जाएं। तो यहाँ फूलचंद जी कुछ मैं पढ़ने का प्रयास भी करूँगा। फूलचंद जी नमस्कार कह रहे हैं, सुभाष कुमार जी आपका स्वागत है, रश्मिका मंधाना और ये सभी का स्वागत है आपका, बलविंदर कुमार आपका स्वागत है, रजनी शर्मा और डीपी सिंह और हेमंत सिंह और सुभाष कुमार, सुखवीर मान, रमाकांत पाठक आपका स्वागत है सर, आपसे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है सर, हर रोज आप हमें नई नई जो आइडियाज देते हैं, नई नई जो शिक्षाएं देते हैं। तुलवीर, रामाकांत पाठक, रजनी शर्मा, तमाम साथी जो है हमारे साथ हैं, मजीद भाटी, सुभाष कुमार, मनोहर सिंह, अलीसा वर्मा और अनिल कुमार, धनाराम परिहार, दिनेश कुमार प्रजापति हमारे साथ है, आपका स्वागत है सभी का। जिन साथियों का मैं नाम नहीं ले पा रहा हूं मैं माफ़ी चाहूंगा, क्योंकि हमें बहुत सारे साथियों का स्नेह प्यार सहयोग मिल रहा है, सभी साथियों का, समीर सिंह समेत सभी साथियों का स्वागत है। और जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा समय हो चला है कि हम जो है आज के ऐप का उद्घाटन शुभारम्भ कर दें, क्योंकि ये जो है इसके बारे में भी फिर चर्चा करनी है, हमें बताना है और हमारे साथ इतने समाज सेवी है उसके बारे में बताना है। तो उस ऐप के बारे में चर्चा, उसका जो शुभारंभ है उसको करने के बाद ही करना चाहिए। तो मैं यहाँ जो हमारे साथी हैं श्रीमान संजीव जी खिचड़ और कृष्ण जी जालब और सुखपाल सिंह जी, रमेश कुमार जी हरडू, सभी मिलकर के जो है इस कार्य को करें और शुभारंभ करें आज इस ऐप का। और ये बहुत अच्छा मौका है कि आप सभी जो है बिल्कुल रूबरू नहीं है लेकिन हमारे साथ हैं, आप सभी को सैल्यूट करता हूं, धन्यवाद देता हूं। चलिए हम स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं आज का जो है यह कार्यक्रम शुभारंभ का। ऐप को स्टार्ट करने जा रहे हैं हम, एक बटन से हमारा ऐप आज स्टार्ट हो जाएगा और सभी साथी सभी बच्चे इसका फायदा ले सकेंगे और यह प्ले स्टोर पर आज से ही डाउनलोड कर सकते हैं।
धन्यवाद सर। आप सभी ने देखा कि एक्सपर्ट स्कूलिंग ऐप स्टार्ट हो चुका है। सभी को शुभकामनाएं और माननीय अतिथियों को धन्यवाद। अपना स्थान ग्रहण करें। तो अभी हमने देखा कि हमारे नए ऐप की लॉन्चिंग हो चुकी है, उसके बारे में मैं बताना चाहूँगा और उसके बारे में सबसे पहले मैं चर्चा करना चाहूँगा, क्योंकि जब तक हम इसके फीचर्स इसके बारे में नहीं जानेंगे तब तक हमें उसका ज्ञान नहीं होगा कि ये क्या है, कैसे काम करेगा। तमाम तरह की जानकारी अब मैं देना चाहूँगा। सभी साथियों का सबसे पहले मैं स्वागत करता हूँ, हमारे अतिथियों का स्वागत करता हूँ। MKH की पूरी राजस्थान की टीम की तरफ से मैं सभी हमारे साथियों का स्वागत करता हूँ। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि जो एक्सपर्ट स्कूलिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। MKH ऐप चल रहा है, प्रॉपर चल रहा है, अच्छे तरीके से काम कर रहा है, हज़ारों बच्चे इसका लाभ ले रहे हैं, तो एक्सपर्ट स्कूलिंग अलग से क्या काम करेगा। तो आपको बता दें कि एक्सपर्ट स्कूलिंग और MKH ऐप में एक थोड़ा सा डिफरेंस है। डिफरेंस ये है कि जो हमारा MKH ऐप है वो किसी PC यानी कि कंप्यूटर या लैपटॉप में नहीं चल पा रहा था। तो ये जो हमारा एक्सपर्ट स्कूलिंग ऐप है, सबसे खुशी की बात है, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि ये जो है हमारे PC पे चलना चाहिए, कंप्यूटर लैपटॉप में चलना चाहिए। तो आपको बता दें कि ये आज से स्टार्ट हो गया है, ये एक्सपर्ट स्कूलिंग जो है आपके कंप्यूटर लैपटॉप में चल जाएगा। सबसे पहला ये कारण। दूसरा कारण ये था कि जब एक ही परिवार में 5-7-10 बच्चे हों या इकट्ठे होकर के, कई बार ये होता है कि हम अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स जो हैं 2-4-5 बच्चे जो है, एक जो बच्चे ढाणियों के हैं, गांवों के हैं, वो क्या है कि हमारे शहर तक नहीं आ पाते या उनके गांव और ढाणी में प्रॉपर सब्जेक्ट टीचर नहीं है, विषयाध्यापक नहीं है, तो वो क्या करें, अपने जिज्ञासाएं, अपने सवाल और अपने परेशानियों को दूर कैसे करें। तो क्या है कि वो बच्चे एक्स्ट्रा क्लास जब लगाते हैं स्कूलों में तो एक्स्ट्रा क्लास नहीं लगा पाते थे, तो वो सारी समस्याओं का निदान करने के लिए, सारी समस्याओं को दूर करने के लिए हमने जो किया वो ये किया कि एक्सपर्ट स्कूलिंग आपका ऐप लेके आए। दूसरा ये कि विद्यालय संचालक साथियों के साथ भी एक समस्या आती थी कि जैसे विषय अध्यापक कोई छुट्टी पर है, उस मौके पे वो क्लास जो है खाली रहती थी और उस दिन उसकी पढ़ाई नहीं हो पाती थी, और कोरोना की वजह से हमारा समय बहुत बर्बाद हो गया है, बहुत समय निकल गया है, और हमारी पढ़ाई अगर एक भी दिन डिस्टर्ब होती है तो उसका असर हमारे सभी स्कूलों पर और हमारे बच्चों पर पड़ने वाला है। इसलिए हमने क्या किया, ये एक्सपर्ट स्कूलिंग का एक ऐसा ऑप्शन दिया कि आपका टीचर अगर आपकी क्लास आज नहीं लगा पा रहा है, किसी वजह से बीमार है या छुट्टी पे है, कोई वजह है, तो आप जो है इसका सहयोग लेकर के बड़ी स्क्रीन पर अपनी क्लास ले सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात यह है कि अगर जिन गांवों में, जिन कस्बों से बच्चे हमारे नहीं आ पा रहे हैं प्रॉपर एक्स्ट्रा क्लास वगैरह में, क्योंकि सभी स्कूल संचालक प्रयास करते हैं अपने बच्चों को बहुत बढ़िया से पढ़ाने का, बहुत अच्छी सुशिक्षा देने का और अच्छे अंक लाने के लिए तो है उनके एक्स्ट्रा क्लास वगैरह लगाते हैं, लेकिन होता यह है कि बहुत से बच्चे चाह करके भी वहाँ नहीं पहुँच पाते हैं। तो इस समस्या का निदान ले आया है आपका MKH परिवार, क्योंकि आप सभी उसके मेंबर हैं, आप उसके सदस्य हैं, और राजस्थान भर में अगर ये MKH ने पहले जो एजुकेशन का एक रूप दिया, एक एजुकेशन का एक रास्ता दिया और सभी का सहयोग मिला, तो आज हम एक नया आयाम स्थापित कर देंगे आपके सहयोग से कि किसी बच्चे को रत्ती भर भी एजुकेशन में कोई परेशानी आने वाली नहीं है। तो आज हम आपको बता दें कि हम स्कूल में इसको यूज कर सकते हैं, हम गांव ढाणी और ऐसी जगह जहां से बच्चे एक्स्ट्रा क्लास में नहीं आ पाते हैं वहां यूज कर सकते हैं। और जो परेशानी इस समय चल रही थी, अब बड़ी खुशी की बात है, कल से अब हम जो है
कक्षा 6 से 12 तक के स्कूल खोलने जा रहे हैं और सभी बच्चों के जो चेहरों पर खुशी है, सभी स्कूल संचालकों के चेहरों पर खुशी है, बहुत अच्छी बात है। और इसी खुशी पे 4 चांद लगने वाले हैं कि 27 तारीख को नर्सरी के यानी कि पहली क्लास से ही बच्चे आने शुरू हो जाएंगे। पहली क्लास से जब स्कूल खुलेंगे बहुत दिनों बाद, तो ये बहुत ही खुशी की बात है। जब हम फील्ड में बात करते हैं, बच्चों को सुनते हैं, देखते हैं, कॉल्स आती हैं उनकी, तो पाते हैं कि बच्चे इतने मायूस हैं कि घर बैठ के बोर हो गए हैं और वो पढ़ना चाहते हैं, पूछते हैं कि सर हमारा स्कूल कब लगेगा। तो वास्तव में ये बहुत खुशी की बात है सभी बच्चों के लिए और स्कूल संचालक साथियों के लिए। तो मैं चाहूँगा कि अब जैसे ही स्कूल खुले, इसके साथ साथ अगर हमारे पास ऐसा जो एक्सपर्ट स्कूलिंग इसका नाम रखा गया है, तो बिल्कुल एक्सपर्ट है। आपने देखा होगा कि MKH मीत नॉलेज हब जो है उसमें पढ़ाने वाले विशेषज्ञ जो हैं, विषयाध्यापक जो हैं, पूर्णतः इस तरह का तैयारी करवाते हैं कि कमज़ोर से कमज़ोर बच्चे को भी पूरी तरह से समझ में आता है। तो ये सभी चीज जो है, वीडियोस और नोट्स और तमाम तरह की जो सुविधाएं आपको मिलेगी, और MKH आपके साथ रहेगा, आपके मोबाइल में रहेगा, तो मेरे हिसाब से कोई बच्चा कमज़ोर रहने वाला नहीं है। हम चाहते हैं MKH का एक विशेष एक मुहिम है कि राजस्थान का एक एक बच्चा जो है पढ़े, और एक एक बच्चे पे जो है हमारा जो ये समय निकला है, कोरोना काल निकला है, इसका प्रभाव दिखने को नहीं मिलना चाहिए। और सभी पेरेंट्स अभिभावक आगे बढ़ करके जो एक्सपर्ट स्कूलिंग या MKH का सहयोग लेते हुए अपने बच्चों को पढ़ाएं। तो आप सभी को मैं चाहूँगा कि इस मौके पर कि जो हमारे साथी हमारे साथ हैं उनको भी हम सुने, और इसके साथ साथ आप अपने विचार भी रख सकते हैं। जो साथी हमारी कॉल कर बात करना चाहते हैं, इस मौके पे हिस्सा बनना चाहते हैं आज के इस बहुत ही सुनहरी मौके का, तो वो हमारे को कॉल कर सकते हैं। मोबाइल नंबर है हमारा 9828257185, 9828257185। आप इस पे कॉल करें और हम आपकी बात पूरे राजस्थान तक पहुंचाएंगे। आपका MKH आपके साथ है, और आपका MKH ऐसा प्लेटफॉर्म है जो पूरे राजस्थान में आप सभी को एक सानिध्य, सहयोग और प्रेम बढ़ाने का काम करता है। तो आपका स्वागत है, आप कॉल कर सकते हैं। तो इसके साथ मेरे साथ बहुत से जो हैं साथी जो हैं साथ हैं हमारे, आरुष राजा, कमलजीत सिंह, सभी का स्वागत है। DP सिंह, जादूगर मोनू तारा, आपका स्वागत है। देवसा, सुमित अरोड़ा, सुमन वर्मा, आप सभी का स्वागत है। संतोष स्वामी, आप सभी का स्वागत है। नवदीप बिश्नोई, दौलत सांगवाल, सबका स्वागत है। ममता चावला, किसी का नाम अगर छूट जाए तो बुरा नहीं माने, क्योंकि तेजस पाठक हमारे साथ हैं मालपुरा से, और सुभाष कुमार, दौलतराम सांगवाल, कमलजीत सिंह, SK फिल्म्स भक्ति, आपका बहुत बहुत स्वागत। तारा देवी पांडे हमारे साथ हैं, पांडे सर हमारे साथ हैं, आपका स्वागत है सर। और सभी जितने भी साथी हमारे साथ जुड़े हैं, रजनी इंसान, सभी का स्वागत है। प्रकाश यादव हमारे साथ हैं, यादव सर हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, हम चाहेंगे भी आप भी अपनी बात रखें। और माननीय श्रीमान राम कुमार जी जलंधरा गोटन से हमारे कोर कमेटी के मेंबर हैं, आप अपनी बात जरूर रखें। दिनेश कुमार जी प्रजापति, आप भी अपनी बात रख सकते हैं, आपका स्वागत है सर। माया देवी, आपका स्वागत है। रघुवीर सिंह राजावत, स्वागत है आपका। प्रकाश साहू हमारे साथ, थैंक यू सर, स्वागत। रंजीत नरुका, आपका स्वागत है। त्रिलोक शर्मा जी, आपका स्वागत है। जसवीर कौर, स्वागत। दिव्या रानी, आपका स्वागत। अशोक कुमार, बहुत बहुत स्वागत। सुखीर मान, स्वागत। सुनील जी गैदर, आपका बहुत बहुत स्वागत। तो हम कुछ साथियों से बात करवाना चाहेंगे इस मौके पर, और उसके बाद हम चाहेंगे कि हमारे मेहमान भी हमारे बीच में है तो हमें कुछ कहें। हाँ, हमारे साथ हमारे लाइन पर हैं अभी प्रकाश सर, प्रकाश यादव अलवर से,
तो मैं चाहूंगा कि सर आप अपनी बात रखें प्लीज। सर रेणु पब्लिक स्कूल जो कि अलवर जिले में है, मैं उसको संचालित करता हूँ। जी सर जी। और सबसे पहले तो यहाँ आज इस डिनोमिनेशन में उपस्थित सम्माननीय सभी समाज सेवी हमारे गेस्ट और एमकेएस की पूरी टीम, आप सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई। थैंक यू। और एक बहुत ही अच्छा कदम आपने सर ये उठाया है, और इस कोरोना काल में एमकेएस के माध्यम से हम अपने स्कूल को बहुत अच्छे से चला पा रहे हैं, और साथ में जो ब्लड डोनेट का जो एक सिस्टम आपने शुरू किया वो बहुत ही तारीफ के काबिल है, और एक अच्छा मिशन लेकर बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए और समाज में एक सही चेतना लाने के लिए एमकेएस टीम की तरफ से जो भी प्रयास है वो सब बहुत ही अच्छे हैं। थैंक यू सर। और मैं इस अवसर पर बहुत बधाई देता हूँ कि ये हमारा अभियान, जिसमें मैं भी एक अपने कोर कमेटी का मेंबर हूँ, और इसको मिलजुल कर हम बहुत अच्छे से चलाएंगे ऐसी आशा रखता हूँ, और इसके लिए हम लगातार प्रयासरत रहेंगे। थैंक यू सर। थैंक यू आप प्रकाश सर, आपने बात रखी, हमेशा हमें आगे बढ़ने के लिए नई नई बातें जो है बताते रहते हैं, और सभी साथियों का आपने स्वागत किया, सभी आपको सुन रहे हैं, पूरी टीम आपको सुन रही है, पूरा राजस्थान आपको सुन रहा है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो साथियों आपने प्रकाश सर को सुना, अभी हमारे प्रकाश सर कोर कमेटी के मेंबर हैं एमकेएच के, और ये अलवर से है, बड़ौदा मेव से, और ये हमेशा जो है इतने एक्टिव हैं कि एनी टाइम हमें कुछ न कुछ दिशा निर्देश, कुछ न कुछ अच्छी बातें बताते रहते हैं, और हम कुछ करते चले जाते हैं। तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि बीच बीच में मैं आपसे बात करवाते हुए चलूँ, मैं आमंत्रित करूँगा श्रीमान संजीव जी खिचड़ को कि वे आज के इस मिशन पर कुछ बताएं। एमकेएस द्वारा आज एक नई पहल की गई, बधाई के पात्र हैं मेरे आदरणीय छोटे भाई राम कुमार भारत पब्लिक स्कूल। आज इन्होंने दो बात बहुत अच्छी की, समाज सेवा की भी की और बच्चों के लिए भी की। एक्सपर्ट स्कूलिंग का आज बहुत बढ़िया उद्घाटन समारोह, और दूसरा रहा रक्तदान शिक्षा दान के साथ, बहुत ही सराहनीय कदम और बहुत ही अच्छी सोच, मैं इनको सलाम करता हूँ ऐसी सोच पे और ऐसे प्रोग्राम के लिए। रक्तदान दोस्तों जो एक है वो बहुत ही पुण्य का कार्य है। मैं तो आपसे इतनी निवेदन करूँगा सभी भाइयों बहनों से जो दर्शक मुझे देख रहे हैं, रक्तदान से बढ़कर कोई दान नहीं है। इसके साथ मिल गया शिक्षा दान, तो कहते हैं ना सोने पे सुहागा, इन दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया है, और ये शायद एमकेएस द्वारा की गई ये पहल शायद मिसाल बन जाए, और लोग आगे आकर और भी जो शिक्षा संस्था है वो भी इस तरह का कदम उठाकर रक्तदान और शिक्षा दान को दोनों को मिलाएं। और रक्तदान आज के टाइम ज़रूरी भी बहुत है, बहुत कोरोना काल के अंदर मेरे पास बहुत फ़ोन आते हैं, मैं काफ़ी ग्रुप से जुड़ा हूँ, कहते हैं रक्तदान बहुत ही ज़रूरत होगी, वो एक्सीडेंट हो गया कोरोना में, किसी की प्रॉब्लम आ गई, और शिक्षा दान के तो क्या कहना है, मैं तो शिक्षा एक मंदिर है, और दोनों का मिश्रण होने पर बहुत ही बढ़िया पहल रहेगी। और एमकेएस परिवार को मैं बहुत ही तहे दिल से बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने इतना अच्छा ये कदम उठाया और रक्तदान और शिक्षा दान को मिलाया। मैं आपसे भी विनम्र अनुरोध करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करें और इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि इसमें लोगों को जागरूक हो, रक्तदान बढ़ चढ़ कर करें। मैं बहुत बहुत धन्यवाद और कहना चाहूँगा राम कुमार सर को कि आपने हमें बढ़ाया, मान बढ़ाया, और आप सभी से रूबरू होने का मौका मिला। आप सभी दर्शकों का तहे दिल से धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद खिचड़ साहब, आपने आप एक बहुत अच्छे समाज से भी हैं और लगातार समाज की सेवा में लगे हुए हैं, और भामा साहब भी हैं, और यहाँ तक कि हमारे जो है मेरे ही वार्ड के आप जनप्रतिनिधि हैं, तो ये मेरे लिए बहुत ही खुशी की बात है। तो मैं चाहूँगा कि अन्य साथी जो हमारे बात करना चाहते हैं, हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय पाठक सर
मैं आपको आमंत्रित करता हूं कि आप भी अपनी बात रखें, और हमारे जिला अध्यक्ष हमारे बीच में नहीं पहुंच पाए हैं लेकिन वो भी अपनी बात रखें। माननीय राजीव जी खेतान, जिला अध्यक्ष श्री गंगानगर के, हमारे जो हैं स्कूल शिक्षा परिवार के जो हैं वो अपनी बात रखें। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि जो समय हमारा चल रहा है, ये समय एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ने का है, और ऐसे समय में अगर हम एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़ते चले जाएंगे तो मैं समझता हूँ कि हर मुश्किल का सामना हम कर पाएंगे। तो ऐसे मौके पे एमकेएच कुछ न कुछ करता रहता है। हमारे साथ हमारे वरिष्ठ साथी राम कुमार जी जलंधरा गोटन से, जोधपुर से हैं हमारे साथ। तो मैं सर आपका स्वागत है, सभी साथी आपको सुन रहे हैं सर। तो सर ये ऐसा है कि एमकेएच जो है वो हमारे बहुत बढ़िया एक एजुकेशन के लिए प्लेटफॉर्म है, जो बच्चों को पूरे राजस्थान में अच्छी शिक्षा के लिए चर्चित है, प्रमुख है, और हमारे कई साथी इससे अच्छा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं और जी सर नई नई दिशा निर्देश भी प्राप्त हो रहा है इसे, और इनकी जो एमकेएच की जो टीम है वो भी एक पूरा अपना समय दे करके शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा योगदान दे रही है जी। इसके लिए आपको एमकेएच टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और आशा करते हैं कि निकट भविष्य में भी आप आगे के लिए अच्छा इसी तरह से। बिल्कुल सर, आपके आशीर्वाद से बहुत अच्छा करेंगे सर। हाँ, अच्छी टीम है, अमर काम कर रही है। थैंक यू सर, बहुत बहुत आपको धन्यवाद। थैंक यू सर, धन्यवाद सर। तो ये हमारे राम कुमार जी जलंधरा हमारे वरिष्ठ साथी हैं जो गोटन से हैं, जोधपुर से हमारे साथ, और ये कोर कमेटी के मेंबर हैं, और एनी टाइम हमेशा हमें ऊर्जा देते रहते हैं और कहते हैं कि पूरे राजस्थान के जो जो हमारी जो पीड़ा जो थी इस समय, क्योंकि स्कूल संचालकों पे सबसे ज़्यादा जो है ना इस समय मार पड़ी है एक तरह से, तो उस पीड़ा को दूर करने के लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिला है एमकेएच, तो इसके माध्यम से इन्होंने कहा, बार बार कहा कि आप सबको हौसला दीजिए, और इस हौसले से देखिए हमने जंग जीती है और हमारे स्कूल लगने जा रहे हैं, ये बहुत खुशी की बात है। और क्योंकि बच्चों को एजुकेशन देने का जो सबसे बड़ा, यानी कि एजुकेशन अगर नहीं मिल पाती है, सबसे बड़ा दुख और कष्ट जो होता है माता पिता को तो होता ही है, लेकिन उससे ज़्यादा कहीं कष्ट होता है वो स्कूल संचालक जो हैं या जो अध्यापक वर्ग है उसको ज़्यादा होता है। तो सभी के चेहरों पर रौनक है आज, और कल से स्कूल खुल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं तो सरकार को का धन्यवाद करूंगा कि जिन्होंने ऐसे मौके पर जो है एक पहल की है कि स्कूल खोले हैं, और मैं जहां तक समझता हूं कि हम इसमें कामयाब भी होंगे शिक्षा देने में, और परमात्मा से ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो है ऐसी मार दोबारा नहीं पड़े, ये समस्या दोबारा बार बार नहीं आए। तो इसके साथ राम कुमार जी जलंधरा से आपकी बात करवाई, और भी साथी अनिल कुमार जी हमारे साथ हैं, सुखप्यार इंसा हमारे साथ हैं, सुमन वर्मा हमारे साथ है, दौलत सांगवाल हमारे साथ हैं, एस के फिल्म्स हमारे साथ हैं, आपको बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो इसी के बीच मैं चाहूँगा कि हमारे जो मेहमान है एमके टीम के साथ, जो आज मेहमान है श्रीमान कृष्ण जी जालव एडवोकेट और जो समाज सेवी रक्तदाता, तो मैं चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें, आप सभी से चर्चा करें, और मैं उनको आमंत्रित करूँगा। माननीय कृष्ण जी जालव, विद्या की देवी माँ सरस्वती को नमन करता हूँ और बधाई देना चाहूँगा राम सर, रूबी और स्नेहा के साथ साथ एमकेएच ग्रुप से जुड़े हुए श्री रामपाल जी जलंधरा, राजीव जी खेतान, प्रकाश जी यादव जो कोर कमेटी के सदस्य भी हैं, श्री त्रिलोकचंद जी और तमाम एमकेएच ग्रुप से जुड़े हुए जो भी हमारे शिक्षक हैं और बच्चे हैं जो शिक्षा ले रहे हैं और एमकेएच ग्रुप से जुड़े हुए होने के साथ साथ एमकेएच ग्रुप के एक नए आज जो एक्सपर्ट स्कूलिंग का लॉन्चिंग हुआ है, उद्घाटन हुआ है, उसके लिए सभी को मेरी तरफ से बधाई शुभकामनाएं। जैसा कि अभी हमारे राम सर ने बताया कि
कोरोना काल में बच्चों को शिक्षा के लिए जो परेशानियों का सामना करना पड़ा, शायद भविष्य में हम किसी तरह भी ये नहीं चाहेंगे कि ऐसा संकट पूरे विश्व पे आए। और आप लोगों ने जो शिक्षा के क्षेत्र में जो बेस्ट कार्य किया है उसके लिए आप धन्यवाद और साधुवाद के पात्र हैं। मैं विशेष रूप से MKH ग्रुप के जो युवा साथी हैं जिन्होंने अपने तन मन धन और धैर्य के साथ इस ग्रुप को आगे बढ़ाया है और बच्चों को, यानी हजारों बच्चों को, हजारों की तादाद में मैंने पढ़ा और देखा भी सुना भी कि MKH ग्रुप जो किस तरह गांव-गांव और ढाणी तक बच्चों को शिक्षा के लिए आमंत्रित कर रहा है, प्रेरित कर रहा है, सिखा रहा है, और जहां लगभग 2 सालों से स्कूल एजुकेशन बंद पड़ी है, एक बहुत बड़ा सा शून्य बन गया था, उसको भरने का काम कर रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। जैसा कि मुझे राम सर ने बताया कि एक्सपर्ट स्कूलिंग शिक्षा के साथ साथ आप लोगों को एक रक्तदान जो करना है उसके बारे में बताएंगे। जो आपका कोई भी फॉर्म भरा जाता है या कोई एजुकेशन के संबंधित जो भी जानकारी है उसमें खून दान या रक्त दान या ब्लड डोनेशन के बारे में भी एक ग्रुप बनेगा और उसमें प्रत्येक व्यक्ति की जानकारी, कौन सा ब्लड ग्रुप है, कहां से वो व्यक्ति बिलोंग करता है, क्या उसका क्षेत्र रहेगा, किस तरह वो हमने दान कर सकता है, किस तरह उसको ज़रूरत है तो किस तरह हमारी सेवा ले सकता है। तो मैं आप लोगों को इस क्षेत्र में कुछ जानकारी देना चाहूँगा कि व्यक्ति को अपने जीवन में एक बार, कम से कम एक बार तो ब्लड डोनेट करके देख लेना ही चाहिए। ये एक ऐसा दान है जिसके बारे में आप नहीं सोच सकते कि किस तरह का अनुभव आता है, किस तरह का कॉन्फिडेंस आता है। ये एक भ्रांति है कि जब तक लोग ब्लड डोनेट नहीं करते उनके मन में शंका बनी रहती है। मैं मानता हूँ कि एक बार आप ब्लड डोनेट करेंगे आपका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है, आप अपने आप को अलग महसूस करेंगे अन्य लोगों की तुलना में, और जो हल्कापन शरीर में आता है और जो विश्वास आपका बढ़ता है कि हमने हमारे शरीर का एक ऐसा हिस्सा जो किसी के लिए एक बूंद भी काम आ सकता है वो हमने किया है, और वह रक्तदान किसी के जीवन को बचाने के लिए हो सकता है। और रक्तदान के लिए मैं एक बात बताना चाहूँगा कि इससे शरीर में किसी तरह की कोई कमजोरी नहीं आती और मात्र 3 महीनों की अवधि के अंदर ही पूरा शरीर उस रक्तदान किए हुए की कमी को पूर्ति कर देता है और हर दृष्टि से पूर्ति कर देता है, चाहे वो वॉल्यूम है, चाहे वो प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, या शरीर में ब्लड का जो काम ऑक्सीजन पहुंचाने का है वो 3 महीने की पूरी अवधि के दौरान पूरा हो जाता है। और यदि आप रक्तदान करते हैं तो उसके अलग अलग कैटेगरीज हैं, ब्लड में ब्लड लाल रुधिर कणिका, रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स, लिम्फ्स और प्लेटलेट्स, अलग अलग तरीके के होते हैं। किस व्यक्ति को किस समय, कोरोना टाइम में आपने देखा होगा प्लेटलेट्स की आवश्यकता पड़ी, रेड ब्लड सेल्स की आवश्यकता पड़ी, वाइट ब्लड सेल्स हैं, प्लेटलेट्स हैं, ये अलग अलग पार्ट्स हैं ब्लड्स के। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि ब्लड का जो टाइम पीरियड होता है उसकी जो जीवित रहने की समय है वो बहुत ही सीमित होता है, तो हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए। ब्लड डोनेट के साथ उसका उपयोग भी सही ढंग से हो तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। हम कोई कैंप लगाते हैं और उसमें हजारों की संख्या में लोग उसको कैंप में अपना ब्लड डोनेट करना चाहते हैं। बीच में है हमारे साथ साथी, एक लाइन पर हैं। जी जी बिल्कुल सर, हम इनसे बात कर लें। तो अभी हमारे साथी जो है लाइन पर हैं। स्वागत है सर, राजीव खेतान, जिलाध्यक्ष। जी सर स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार सभी की तरफ से। नमस्कार सर, अभी मैं आपकी मीटिंग में लाइव जुड़ा हुआ था। जी सर। और मैं देख के बड़ा एक्चुअल में हैरान हूँ कि जैसे वैसे तो 18-19 महीने से आप इस क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं। जी। और राजस्थान के बहुत सारे स्कूल इस चीज से लाभान्वित हुए हैं और स्कूलों के माध्यम से बच्चे, क्योंकि कोरोना का ये जो समय निकला है ये बड़ा ही कठिन समय निकला है। जी जी। पता नहीं कितने ही बच्चे इस लाइन से, शिक्षा से वंचित रह गए, लेकिन आपके MKH ऐप के माध्यम से बहुत सारे बच्चों ने शिक्षा ग्रहण की पूरे राजस्थान भर से। और अभी ये जो आप डायरेक्ट क्लास में आ रहे हैं, क्लासरूम के अंदर आप डायरेक्ट अपनी सेवाएं देंगे, और अगर किसी स्कूल के पास में टीचर्स की कमी है रीट के एग्जाम के कारण से या अन्य किसी कारण से, तो ऐसे बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, इसलिए MKH ने ये बहुत बड़ा
और बहुत अच्छा कदम उठाया है जी सर। इसके लिए आपकी पूरी टीम को, एमकेएस की पूरी टीम को, राजस्थान के सभी स्कूल संचालकों की तरफ से बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो आप आगे बढ़ते रहिए और अच्छे कार्य में सभी का साथ जरूर मिलता है। संकट आते हैं, सभी का साथ मिलता है। बिल्कुल सर, आज आप हमारे बीच में आने वाले थे, नहीं पहुंच पाए और आपके प्रतिनिधि हमारे साथ। व्यक्तिगत कारणों से मैं नहीं आ पाया, लेकिन आज मैं इस विशेष मौके पर जरूर पहुंचता। मेरी वेल विशेज आप सभी के साथ में है, एमकेएस परिवार के साथ में। थैंक यू सर, थैंक यू। ठीक है, धन्यवाद। ओके सर, तो माफी चाहूंगा जालब सर के बीच में, क्योंकि लाइन करते हैं सर, सुनेंगे। एक्सपर्ट स्कूल स्कूलिंग के लिए जो आज ऐप लॉन्च हुआ है, राजीव खेतान सर का भी, आप बच्चों को सभी को आशीर्वाद मिला, बहुत ही अच्छा कार्य है। राजीव जी ने अपनी जो व्यथा थी, करुणा थी, वो बताई कि किस तरह हम लोगों ने, सभी ने मिलकर इस कोरोना काल में एजुकेशन के साथ साथ हर दृष्टि से लोगों की मदद करने की कोशिश की है। जैसे राम सर ने बताया कि ब्लड डोनेशन से भी जुड़े होने के साथ साथ बच्चों को शिक्षा दे रहे थे, और अब उसका क्षेत्र को और वाइड करते हुए आपके मोबाइल पे, जो कि पहले नहीं संभव था, अब वो एजुकेशन आपको गांव-गांव, ढाणी-ढाणी और ग्रुप में पढ़ने वाले बच्चों को, इवन स्कूल में अगर टीचर्स नहीं हैं, उनके द्वारा आपको शिक्षा दी जा सकती है। ये एक बहुत ही पवित्र और पावन कार्य है। और राम सर ने हमें ये भी बताया है कि ये एजुकेशन केवल टोकन मनी के रूप में आपसे कुछ फीस ली जाएगी और टोटली फ्री रहेगा एजुकेशन। तो जो आपको बातें राम सर ने बताई, हम उनका समर्थन करते हैं। और राम सर, उनकी टीम, राम कुमार जी जलंधरा हैं, राजीव जी खेतान हैं, प्रकाश जी यादव हैं, और एमकेएस ग्रुप से जुड़े हुए तमाम शिक्षकों को और एक्सपर्ट स्कूल से जुड़े हुए सभी साथियों को मैं बधाई देना चाहता हूं। और युवा शक्ति, नारी शक्ति, रूबी, स्नेहा और जो युवा साथी हैं जो इस कार्यक्रम को आप तक प्रसारित कर रहे हैं, उन टीम को भी मैं बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद, थैंक यू। थैंक यू जालब सर, आपने बहुत अच्छी विस्तार से बातें बताई कि जो है खूनदान, जो रक्तदान है, उसके क्या क्या फ़ायदे हैं, बहुत अच्छा बताया। इसके साथ साथ मैं एक बात मैं यहाँ और रखना चाहूँगा, जहाँ टोकन मनी की बात आई, आपको बता दें कि मीट नॉलेज हब एमकेएच की तरफ से उन गरीब छात्रों का हमेशा पहले भी सहयोग किया जा रहा था, आज भी मैं गरीब नहीं कहूँगा, ज़रूरतमंद कहूँगा, उन ज़रूरतमंद बच्चों तक जो है ऐप हमारा फ्री भी मिल सकता है, फ्री पहुंच सकता है। और यहाँ तक कि हमने माननीय मुख्यमंत्री महोदय को एक लेटर लिख करके एक आवेदन दिया था, एक आह्वान किया था कि जिन पेरेंट्स का, जिन बच्चों के माता पिता का देहांत, माता या पिता किसी का भी देहांत जो है कोरोना या ब्लैक फंगस की वजह से हुआ है, ऐसे बच्चों को हम दूरस्थ शिक्षा यानी कि ऑनलाइन शिक्षा जो है फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे। उसका तमाम खर्चा जो है, यानी कि यहाँ तक कि जो भी हमारा ये इस सिस्टम का जो खर्चा आता है, हम एजुकेशन का कोई खर्च नहीं ले रहे हैं, हम वो तो जो है पहले से ही फ्री चल रहा है, लेकिन सिर्फ सिस्टम जो है आप तक पहुँचने में जो हमारा सिस्टम लगता है, उसके जो चार्जेज हैं मात्र वो ही हम लेते हैं। तो उन बच्चों को हम फ्री शिक्षा दे रहे हैं, हमारे पास अभी तक 3 ही बच्चों के नाम पहुंचे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप जो है इस बात को थोड़ा मद्देनज़र रखें और उन बच्चों को लाभान्वित करने के लिए हमारे साथ जोड़ें। तो हमारे साथ हमारे एक और साथी हैं, त्रिलोक चंद जी शर्मा सर, मैं आपका स्वागत करता हूँ सर। सर गुड इवनिंग राम सर और सभी इंटेलेक्चुअल्स को सादर प्रणाम मेरा। जी जी सर, एक्चुअली फर्स्ट टाइम राम सर से मेरी बात हुई थी, बट आई थिंक दिस इज ओनली एमकेएच ऐप ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस। जी, बट व्हेन आई इंटरेक्ट टू राम सर, और जब मैं बात करना स्टार्ट किया राम सर से, आई रियली सैल्यूट सच टाइप ऑफ इनोवेटिव आइडियाज और क्रिएटिविटी। थैंक यू सर, थैंक यू। साथ के साथ राम सर ने जो ये ब्लड डोनेशन वाला ये सिस्टम जनरेट किया है, जी, such type of things or creativity, I never think sir, एक teacher और education से जुड़ा हुआ आदमी इतना social भी सोच सकता है। हालांकि education totally social होता है, but एक शैक्षणिक कार्य से बढ़के और समाज के लिए इतना कुछ सोचना,
आई रियली सैल्यूट टू राम सर एंड सभी अंकित परिवार को. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर फॉर योर क्रिएटिव आइडिया एंड इनोवेशन सर. थैंक यू सर. थैंक यू. हम सभी ये बातें आपसे सीखते हैं सर, आपसे प्रोत्साहित होते हैं और हम आगे बढ़ते रहते हैं. थैंक यू सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू. ओके. ये त्रिलोक सर हैं हमारे अलवर से. और ये भी हमारे आपको बता दें कि इस सेशन का, इस सत्र का सबसे पहला गार्ड यानी कि हमारे को जगाने वाले जो है त्रिलोक सर हैं, क्योंकि ये मेडिकल लाइन से बिलोंग करते हैं, साथ में इनका स्कूल भी है. तो इन्होंने हमें जगाया कि आप कीजिए सर, ये जो है कोरोना काल जो है पुनः आ गया है, थोड़ा देखिए. तो हमें सबसे पहले इन्होंने जगाया, इसके लिए धन्यवाद. और बात करके बहुत अच्छा लगा. हमारे साथी, मैं कुछ यहाँ नाम बोलना चाहूँगा, अमित जानी जी हमारे साथ हैं और जवाहर जवाहर सीनियर सेकेंडरी स्कूल से. ब्लड डोनेशन कैंप बहुत ज़ोरदार हुआ, जिसके लिए एमकेएस टीम को धन्यवाद. सर आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद. मैं चाहूँगा कि आप सभी का एक सहयोग चाहूँगा, आज एक आह्वान करना चाहूँगा सभी के साथ कि पूरे राजस्थान में जब हमारी चेन बन रही है तो आप एक छोटा सा हमारा सहयोग दे सकते हैं. ये देना है ये नहीं कहूँगा, दे सकते हैं. ये कहूँगा कि आप जो डोनेटर हैं यानी कि ब्लड डोनेट करना चाहते हैं, उनका ग्रुप, उनका नाम, उनका मोबाइल नंबर जो है हमें उपलब्ध करवाएं. इस ऐप पर हम एक ऐसा सोर्स डालेंगे कि जब भी एमकेएस से कोई संपर्क करेगा, जहाँ भी ब्लड की ज़रूरत होगी, उसको वहाँ उस जो हमारा ब्लड डोनेटर होगा उसको कॉल किया जाएगा और वो वहाँ पहुँच जाएगा. क्योंकि साथियों, ये सुनने में बहुत ही हल्की बात लगती है, बहुत ही असाधारण सी बात लगती है कि रक्तदान करना चाहिए या ऐसा, लेकिन जिसको जिस समय रक्तदान की ज़रूरत होती है, जिस समय रक्तदान यानी कि रक्त की आवश्यकता होती है, जब उसके जान जाने और बचने की बात होती है, उससे पूछिए कि उसको उस रक्तदान दाने के लिए क्या शब्द निकलते हैं, वो उससे पूछिए. तो बहुत अच्छी बात लिखी है आपने. तो मैं सभी से सहयोग चाहूँगा कि ऐसा हमारे तक पहुँचाएँ आप, हमारा जो ग्रुप है उसमें पहुँचाएँ. और आरसी गुजर जी जो है हमारे साथ हैं कि ब्लड डोनेशन कैंप के लिए एमकेएस ग्रुप को बहुत बहुत, या आज हमारा कैंप नहीं लगा है लेकिन ये पूरे राजस्थान के लिए मैसेज है. अमित जानी जी हमारे साथ हैं, संतोष स्वामी जी हमारे साथ हैं और दिनेश जी प्रजापति हमारे साथ हैं और ये जैसिका चौधरी हमारे साथ हैं. आप सभी का स्वागत है. सब केवल सिंगाठिया आपका स्वागत है, सोनू कुमार आपका स्वागत है. तो तमाम साथियों का स्वागत करते हुए, जिनका मैं नाम नहीं ले पाया हूँ, मैं माफ़ी चाहूँगा. तो मैं अभी हमारे बीच में बैठे हमारे मेहमान सुखपाल सिंह जी, चलिए ये हमारे साथी सुखपाल सिंह जी जो हैं बहुत ही अच्छे समाज से भी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष प्रतिनिधि और हमारे जिला जो स्कूल शिक्षा परिवार कमेटी के पदाधिकारी हैं हरडू जी, रमेश जी हरडू, वो हमारे बीच में. मैं उनसे चाहूँगा कि वो भी अपनी बात रखें चंद शब्दों में. हेलो, सभी को नमस्कार. मीट नॉलेज हब की तरफ से जो आज एक्सपर्ट स्कूलिंग ऐप का जो लॉन्च हो गया है, साथियों मैं भी आपकी तरह कोरोना काल में प्रताड़ित हुए, हमारे बच्चे भी इसी से परेशान हुए, लेकिन मैं राम सर, विशेष रूप से राम सर, इनकी पूरी टीम, इसके अंदर हमारी बेटियां स्नेहा, रूबी और बहुत से इनके जो युवा सहयोगकर्ता है, इनका बहुत तहे दिल से इनका धन्यवाद अदा करूंगा कि इन्होंने ऐसे विपरीत समय में भी शिक्षा को एक दान के रूप में देने का निर्णय किया, प्रेरणा स्रोत बने और सभी को ये शिक्षा का दान दिया. साथियों आज जो इन्होंने शिक्षा और रक्त को, शिक्षा दान और रक्तदान को जोड़ा है, ये भी मैं सोच रहा हूँ कि राम सर की विशेष उपलब्धि है, इनका जो विशेष इसकी तरफ झुकाव हुआ, क्योंकि शिक्षा का दान करना और रक्त का दान करना दोनों ही अपनी इच्छा पर निर्भर करता है, लेकिन इन्होंने इसके लिए प्रेरणा
जागृति फैलाने का प्रयास किया। और ये जो एक्सपर्ट स्कूलिंग ऐप जो लॉन्च हुआ है, इससे जैसा कि राम सर ने हम सबको बताया कि जो बच्चे पहले मोबाइल के ऊपर, यानी पहला जो हमारा ऐप था वो मोबाइल ऐप था, लेकिन अब आप इसको अन्य जो उपकरण हैं उनके द्वारा भी इसके ऊपर जुड़ करके आप इनकी सीधी क्लास ले सकते हैं और सीधी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। जैसे आप अपने किसी टैब पर, लैपटॉप पर, अपना जो कंप्यूटर है उसके ऊपर भी आप जुड़ करके इकट्ठे होकर 10-12 साथी मिलकर भी आप इस क्लास को ले सकते हैं। और जो इस एक्सपर्ट स्कूलिंग की तरफ से बहुत ही बढ़िया प्रयास है आपको शिक्षा देने का, इसका अधिक से अधिक आप फ़ायदा उठाएं। फिर से मैं मीट नॉलेज हब की पूरे के पूरे टीम को तहे दिल से बधाई देता हूं और इनका तहे दिल से धन्यवाद भी करता हूं कि इन्होंने हमारे सब के लिए एक ऐसा ऐप लॉन्च किया है जिसके द्वारा हम सब इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा आप इसका फ़ायदा उठाएं। धन्यवाद। धन्यवाद हमारे साथी खड़ू जी, आपने बहुत अच्छी बात रखी, क्योंकि आप शिक्षाविद हैं, हमारे शिक्षा से जुड़े हुए हैं, और हालांकि आपकी तबीयत कुछ ख़राब थी लेकिन फिर भी हमारे बीच आप पधारे हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी बाबूराम सेन हमारे बीच में हमारे जुड़े, आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसिका चौधरी, तमाम साथी, और सोनू कुमार, और इसके साथ साथ मैं आप सभी को आमंत्रित करता हूं कि हमारा कॉलिंग नंबर जो है आपको दिखाई दे रहा है आपको, तो उस पर आप कॉल कर सकते हैं, बात कर सकते हैं हमारे से। तो इसके साथ साथ आपको मैं बता दूं कि हमारा जो ये एक्सपर्ट स्कूलिंग है, इसमें एक ऐसा ऑप्शन शुरू किया जाएगा जिसमें आप अपना नाम, अपना मोबाइल नंबर और आपने अपना ब्लड ग्रुप लिख करके भेजेंगे और हम उसको कलेक्शन करके रखेंगे। हमें किसी को भी, पूरे समाज में किसी को भी कभी भी कहीं भी ज़रूरत पड़ती है। मान लीजिए आप इधर श्री गंगानगर या आसपास के एरिया में आपको ज़रूरत हो और आपको किसी ब्लड ग्रुप आपको उपलब्ध नहीं हो रहा हो, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो हम क्या है कि हम तुरंत जो है उसको, जो हमारा ब्लड डोनेटर होगा उस तक हम पहुंचेंगे और वो ग्रुप आपको आसानी से मिल जाएगा। प्रोफाइल में मैं चाहूँगा कि जो आप प्रोफाइल भरते हैं बच्चों से भी और टीचर्स से भी, तो उसमें ब्लड ग्रुप का एक ऑप्शन है रहेगा, उसमें अपना ब्लड ग्रुप आप उसमें लिखें, बताएं, उसमें ऑप्शन है हमारे पास, तो उसमें अपना ब्लड ग्रुप साथ डालें। और इसके साथ साथ अपनी, आप अपनी उम्र भी डालें और बताएं, और जो हमारी लिस्ट बनेगी उसमें तो विशेषकर उम्र का भी है। और जब भी आपके आसपास कैंप लगे तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लगें, यही जागृति हम लाना चाहते हैं। तो आप सभी साथियों ने बड़े धैर्य से ये जो आपका अपना कार्यक्रम है वो देखा और सुना। अगर कोई साथी हमारा अब भी संपर्क करना चाहता है, कॉल करना चाहता है, बातचीत करना चाहता है, तमाम राजस्थान वासियों से जो है अपनी बात पहुंचाना चाहता है, क्योंकि जो हमारा ये वीडियो है वो सब आगे भी रहेगा और तमाम साथी इसको देखेंगे, क्योंकि बहुत से साथी आज तैयारी में जुटे होंगे क्योंकि कल स्कूल लगने हैं और आज एक त्यौहार भी है, तो ऐसा कुछ है तो सभी बिजी होंगे। तो मैं ये चाहूँगा कि आप अपना संदेश कोई देना चाहते हैं तो आप कॉल कर दे सकते हैं, जिसमें कॉलिंग नंबर आपको बताया हुआ है 9828257185, तो इस पर कॉल कर सकते हैं। और तो इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि आपको अगर ऐप के बारे में या किसी तरह की कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, वो कॉलिंग नंबर 9783180009 है, उस पर आप संपर्क कर सकते हैं। और इसके साथ साथ जब हम स्कूल जा रहे हैं, स्कूल खुल रहे हैं, सभी साथियों से और अभिभावकों से निवेदन करूंगा कि अपने बच्चों को बड़े उत्साहित मन से विद्यालय में भेजें और अपने उनके अध्यापकों पर, उनके गुरुजनों पर विश्वास, और मैं ये चाहूँगा उनका हौसला बनाते हुए जो है अपने बच्चों को एजुकेशन से जोड़ें। और इसके साथ साथ बच्चों से मैं एक निवेदन करूँगा कि आप बड़े उत्साहित मन से, बुरी तैयारी के साथ अपने विद्यालय में जाएं, लेकिन अभी कोरोना गया नहीं है तो इसकी हमें
पूर्व जो है पूरी तरह से तैयारी रखनी चाहिए। मास्क आप हमेशा आप लगा के रखेंगे और जो है डिस्टेंस जो है वो जरूर रखेंगे, यानी कि दूरी बनाए रखेंगे, क्योंकि हम देखते हैं कि बच्चे जो है जैसे ही मिलते हैं तो आपस में तो उस समय जो है खेलना शुरू कर देते हैं या कुछ और इस तरह से, तो ऐसा आपने कतई नहीं करना है, क्योंकि बहुत सा परिवर्तन हमें देखने को मिला है और युग बदल रहा है, समय बदल रहा है, और उस बदलाव के साथ यानी कि हवा के बहाव के साथ हम चलेंगे तो हम जरूर कामयाब हो जाएंगे, नहीं तो हमें जरूर परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। तो अभिभावक और बच्चे, आप जो देख रहे हैं इस समय जो प्लेटफॉर्म आपको मिला है वो है एक ऑनलाइन एजुकेशन का, और ये ऑनलाइन एजुकेशन मात्र इसको कोरोना से जोड़ करके नहीं देखना है, पूरे अगर हम अन्य देशों में बात करें, विकसित देशों की बात करें, तो वहाँ जो है ये ऑनलाइन एजुकेशन बहुत पहले से चल रही है और आने वाले समय की ये एक ज़रूरत है आपकी, और ऑनलाइन एजुकेशन हमें बहुत कुछ देने वाली है, इसमें विश्वास करें और प्रत्येक बच्चे को इससे जोड़ें। कुछ पेरेंट्स के ऐसे सवाल होते हैं, कुछ ऐसी बातें होती है कि मोबाइल रहेगा तो बच्चा बिगड़ जाएगा, तो मैं इस पर एक बात कहना चाहूँगा कि बच्चा, अगर बच्चे को हम थोड़ा गाइड नहीं करेंगे तो घर पे भी बिगड़ सकता है। हम कंट्रोल रखते हैं उस पर, पूरा ध्यान रखते हैं, पेरेंट्स जो है पूरा उसको गाइड करते हैं, उस तरह से गाइड हमें करना पड़ेगा, क्योंकि हर चीज़ के, हर बात के दो पहलू होते हैं, एक बुरा और एक अच्छा। तो हम अच्छेपन की तरफ, पॉजिटिव की तरफ चाहेंगे तो हमें रिजल्ट पॉजिटिव मिलेंगे, अगर नेगेटिव की तरफ जाएंगे तो हमें रिजल्ट नेगेटिव मिलेंगे। हमारे यहाँ एक, हम ये कहेंगे कि एजुकेशन इतनी कम है, या ये कहें कि हम अपने बच्चों को अच्छे और बुरे का ज्ञान नहीं करवाते हैं, यानी कि बच्चे को अच्छी अच्छी बातें तो बताएंगे लेकिन उसका बुरा पक्ष नहीं बताएंगे। मेरा ये मानना है कि अगर हम बुरे चीज़ों से बच्चों को बचाना चाहते हैं तो हमें उस बच्चे को अच्छी चीज़ों के बारे में, उससे उसके जो पॉजिटिव पक्ष है उसको बताते हुए, बताने के साथ साथ नेगेटिव को ज़रूर बताना चाहिए। अगर हम नेगेटिव को पहले बता देंगे तो बच्चा उस रास्ते पे जाएगा नहीं। तो अपने मोबाइल्स के जो नेगेटिव पक्ष हैं उसको आप बताइए, और बच्चों पे भरोसा कीजिए, बच्चों पे निगाह रखिए, और बच्चों को जो है थोड़ा आगे बढ़ने का मौका दीजिए, उन्हें कुछ सीखने का मौका दीजिए। अगर हम आगे बढ़ने का मौका देंगे, उनको सीखने का मौका देंगे, तो अवश्य ही हम समाज में एक नई क्रांति ले आएंगे। क्रांति का युग है, युग बदल रहा है, अगर हम नहीं बदले हम बहुत पीछे रह जाएंगे, हमारा देश बहुत पीछे रह जाएगा, हमारा समाज पिछड़ जाएगा। इसलिए आगे बढ़ें और नई ऊर्जा के साथ, नए संदेश के साथ अपने बच्चों को शिक्षा देते रहें। तो अगर कोई साथी हमारे साथ आना चाहता है तो मैं चाहूँगा कि एक मिनट का वक्त और है, और उसके बाद, क्योंकि हमारी सभी बातें हो चुकी है और तमाम साथी जो हमारे साथ जुड़े, जिनका नाम लिया जिनका नहीं लिया, वो तमाम साथी जो है हमारे बहुत ही प्रिय हैं और उनका स्वागत है और उनको धन्यवाद देता हूँ कि आपने हमारे इस ऐसे सुंदर कार्यक्रम को सुंदर आयोजन करने के लिए सहयोग दिया, क्योंकि आपके देखने से, आपके जुड़ने से हमारा ये जो कारवा है आगे बढ़ेगा और इसका एक रूप निखर के सामने आएगा। तो अगर कोई साथी जुड़ना चाहता है तो कृपया कॉल करें, एक मिनट का वक्त है, उसके बाद हम इसको मैं चाहूँगा कि समापन किया जाए। लेकिन उससे पहले स्नेहा से मैं कहूँगा कि वो भी अपनी बात रखेगी, क्योंकि रूबी ने आपके सामने बात रख दी है, क्योंकि स्नेहा और रूबी एक ये जोड़ी है हमारी, आपकी बिटिया है ये, और ये दोनों जो है लगातार जो है आपको ये प्लेटफॉर्म जो उपलब्ध कराया, इनकी मेहनत है। तो मैं चाहूँगा कि इसके साथ साथ मैं चाहूँगा कि हमारे मेहमान हैं, आप सभी की तरफ से मैं इनको सम्मान प्रतीक देना चाहूँगा, इनका आदर सत्कार करना चाहूँगा कि एजुकेशन से हम जुड़े हुए हैं तो हमें मेहमानों का सत्कार कैसे किया जाता है इसकी जानकारी है, तो हम ये चाहेंगे कि वो भी हम करेंगे। तो अब मैं, स्नेहा आपके सामने है, थैंक यू राम सर, और यहाँ पर जो भी गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, आप सभी का बहुत बहुत वेलकम। स्टार्टिंग में मैं वेलकम नहीं कर पाई थी, तो आप सभी का मेरी तरफ से वेलकम है, और MKH की तरफ से आज जो न्यू ऐप जो हमारा लॉन्च किया गया है एक्सपर्ट स्कूलिंग के नेम से, उसका इंट्रोडक्शन राम सर ने दिया। राम सर, आपको बहुत बहुत थैंक यू सर, आपने इंट्रोडक्शन दिया हमारी तरफ से, और
जैसा कि आपको रूबी सिंह अटिया जी ने स्टार्टिंग में इनिशियली बताया था कि ब्लड डोनेटर्स के लिए एक बहुत बड़ा कैंपेन हम जो है स्टार्ट कर रहे हैं इसी के साथ में, तो प्रोफाइल सेक्शन में आपके लिए जो है ब्लड ग्रुप का ऑप्शन और अपना एरिया जो भी है उसके अकॉर्डिंग रहेगा, और आपको एक चैट सेक्शन में एक ग्रुप के अंदर जो है ऐड किया जाएगा, तो उसके अंदर से जो हमारी चैट बनती जाएगी उसके अकॉर्डिंग जहाँ भी ब्लड डोनेशन के लिए नीड होती है तो उसके अकॉर्डिंग वहाँ पर उस चीज़ को मुहैया करवाया जाएगा। और जैसा कि आपने सभी देख लिया है कि बहुत ही शानदार तरीके से आज का ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, और मैं ये कहना चाहूँगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगी कि MKH टीम जो है इतना शानदार जो है कार्य कर रही हैं, और मैं MD होने के नज़रिए से ये कहना चाहूँगी कि मेरी टीम ने जो काम किया है और एज ए MD मेरा काम करना, मेरे को मतलब बहुत ही खुश नसीबी जो है वो मुझे फील होती है कि किस तरह से जो हमारी टीम है वो बहुत ही बेहतर तरीके से काम कर रही है। थैंक यू एवरीवन, आप सभी का लाइव में जुड़ने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। और जो प्रशस्ति पत्र का कार्यक्रम है, मैं चाहूँगी कि राम सर, अतिथिगण और MKH टीम के ही कुछ फैकल्टी मेम्बर्स हमारे साथ हैं, तो वो जो गेस्ट हैं हमारे उनको प्रशस्ति पत्र दे करके सम्मानित करने का कार्य करें। तो हमारे साथ कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं, सभी फैकल्टी मेंबर्स आप आ जाइए, कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं क्योंकि वर्चुअल कार्यक्रम ये रखा गया था, तो कुछ ही सदस्य हमारे बीच हैं अभी, तो अतिथिगणों को प्रशस्ति पत्र देकर के सम्मानित करेंगे। सबसे पहले श्री संजीव जी कीचड़ हमारे साथ हैं, तो फैकल्टी मेंबर्स आ जाइए आप सब। थैंक यू एवरीवन। हमारे बीच में सुखपाल सिंह जी को भी स्मृति चिन्ह भेंट कर हम, और हमारे टेक्निकल टीम के एक युवा साथी हैं वो भी आ जाएं। ये सम्मान प्रतीक सभी की तरफ से दिया जा रहा है, आप सभी ये माने कि आपकी तरफ से, पूरी टीम की तरफ से, और स्नेहा और रूबी बिटिया को भी मैं कहूँगा कि आप भी आ जाएं इधर। स्नेहा और रूबी आ जाओ, बेटा आओ आओ इधर। हमारे बीच में है रमेश हडू, और मैं चाहूँगा कि हमारा कार्यक्रम लगभग पूर्ण हो चुका है, और बिक्की रोकना हमारे साथ है, आपका स्वागत है। अनिल कुमार जी हमारे साथ है, आपका स्वागत है। सिद्धिकांत श्योरान हमारे साथ है, सुनील गैदर हमारे साथ है, आप सभी का स्वागत है।
और जो फैकल्टीज़ हमारे साथ आज पहुंची हैं उनका भी धन्यवाद और उनका स्वागत है। और एनी टाइम हमारी टीम जो है पूरा सहयोग करने के लिए तैयार रहती है। और जब भी हम छोटा सा सवाल या छोटा सा कोई काम कहते हैं तो तुरंत वो हल हो जाता है। ये बहुत मज़े की बात है, बहुत अच्छी बात है, बड़ी खुशी होती है कि हमारी टीम ऐसी एनर्जेटिक और इतनी सुंदर, इतनी व्यवस्थित टीम है। तो जैसा कि आप सभी ने देखा होगा कि अमूमन आपके कॉल्स आती हैं और उसका तुरंत निदान हो जाता है, कोई समस्या होती है। तो ये सभी जो संभव है वो इसीलिए है कि आप सभी की तरफ से उत्साह मिलता है टीम को, समय समय पे आप उत्साहित करते हैं जो है कमेंट करके। तो अब मैं एक बात कहना चाहूँगा, अभी जो साथी हमारे साथ जुड़े या नहीं जुड़े और बाद में वीडियो देख रहे हैं, तो उन सभी साथियों का भी धन्यवाद है। और हम मैं चाहूँगा कि जो ये वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट बॉक्स में हमारे कमेंट अवश्य करें, अपनी बात जरूर लिखें, अपने नाम, अपना ब्लड ग्रुप लिख सकते हैं। और जो इस आज से इस मुहिम में हमारा साथ देना चाहते हैं वो हमें कॉल्स भी कर सकते हैं। और मीत नॉलेज हम जो हब जो हमारा जो चैनल है, यूट्यूब चैनल है जिससे आप ये वीडियो देख रहे हैं, उसको सब्सक्राइब करें और अपना चैट बॉक्स में, या ये कहूँगा कि अपना मैसेज हमें ज़रूर छोड़ें कि हम क्या करने जा रहे हैं, आपका संदेश क्या है। तो इसी के साथ मैं अपनी बात, अपनी वाणी को विराम देता हूँ और आमंत्रित करता हूँ पुनः प्रकाश साहू जी। कॉन्ग्रेचुलेशन लिख रहे हैं प्रकाश साहू जी, अपना ब्लड ग्रुप भी लिखा है, बहावलपुर अलवर से। थैंक यू सर, और ये बहुत अच्छी बात है। अब मैं रूबी को पुनः आमंत्रित करता हूं कि हमारे मीटिंग को अंतिम चरण में ले जाएं। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जितने भी व्यूअर्स जुड़े हैं आज हमारे साथ, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि आज की जो लॉन्चिंग थी स्पेशली थोड़ी जल्दी में ही की गई, ताकि क्योंकि स्कूल्स भी ओपन हो गए हैं तो बच्चों को कोई भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब और कोई आपके साथ हो या ना हो, MKH अवश्य आपके साथ खड़ा है। चाहे आप स्कूल में हो, चाहे आप घर पे हो, चाहे आप किसी ढाणी में हो, चाहे आप रेगिस्तान के अंदर हो, MKH सदैव आपके साथ रहेगा। तो बहुत बहुत स्वागत। और जितने भी समाज सेवी योद्धा हमारे साथ हैं सर, आपका पधारने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर आपने अपना अमूल्य समय हमें दिया और MKH फैमिली आपकी तहे दिल से धन्यवाद करती है सर। और आगे भी हम आशा करते हैं कि आपका आशीर्वाद MKH पर बना रहेगा सर। और इसी के साथ कमेंट्स में देख लूं, रामचंद्र गुर्जर रोलचंद आवता, तहसील मेड़ता, जिला नागौर राजस्थान से श्री यादे उच्च माध्यमिक विद्यालय, दिनेश प्रजापति सर। और आज क्योंकि काफ़ी कमेंट्स आए और बीच में कुछ लोग नाराज़ भी हो रहे हैं कि हमारे कमेंट्स नहीं पढ़े जा रहे हैं आज, लेकिन थोड़ा सा इसमें कहना चाहेंगे कि आज का जो फंक्शन था वो स्पेशली लॉन्च प्रोग्राम था। तो कल या परसों अपने एक लाइव सेशन ऐसा लगा लेंगे जिसमें एक्सपर्ट स्कूलिंग जो ऐप है उसकी कुछ चीज़ें आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दी जाए और उसमें जितने भी आपके डाउट्स हैं वो ले लिए जाएंगे। और साथ में कमेंट्स जो हैं वो इसकी PDF बाद में देख ली जाएगी, जो भी चीज़ें आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो वहाँ पर हम क्लेरिफाई कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा रहा। ज्वार सीनियर सेकेंडरी स्कूल गोटन सिटी से कह रहे हैं ब्लड डोनेशन कैंप जो है सर, बिल्कुल कभी ब्लड डोनेशन कैंप लगाएंगे और वो भी हो सकता है कि सर आपके ही स्कूल में गोटन सिटी नागौर में आकर लगा लें, क्योंकि सर ये जो है प्रोग्राम हमें सभी जगह पर चलाना है और आप सभी का सहयोग हमें ज़रूर मिलना चाहिए इस चीज़ के अंदर। और सभी जो है अपना ब्लड ग्रुप बता रहे हैं, थैंक यू वेरी मच सर। और सभी जितने भी लोग हैं सभी ने अपना ब्लड ग्रुप यहाँ पर बताया, तो आपसे एक अनुरोध ये भी रहेगा,
बिल्कुल, सभी से अनुरोध ये भी रहेगा कि आप जो ऐप है हमारी एक्सपर्ट स्कूलिंग ऐप, वो अभी डाउनलोड कर लीजिए, जल्दी से भी डाउनलोड कर लीजिए, उसके जितने भी फैक्टर्स हैं वो चेकआउट कर लीजिए। अगर आपके लिए कोई यूज़फुल चीज़ है, पहली बात तो वो यूज़फुल होगी ही अगर आप स्टडी से जुड़े हुए हैं, तो उसका इस्तेमाल पूर्ण रूपेण तरीके से करें। और इसी के साथ कह रहे हैं कि MKH की जो लॉन्चिंग की जो तख्ती है वो दिखा दीजिए। चलिए कैमरा के साथ में जा करके बिल्कुल थोड़ा सा जूम करके या तो दिखा दीजिए। ये लीजिए लॉन्च प्रोग्राम की जो आपने बोला था कि तख्ती, एक बार फिर से दिखा दीजिए। ओके, सो आज का जो फंक्शन था वो इन्हीं शब्दों के साथ हम समाप्त करने जा रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। जितने भी साथी इसे नहीं देख पाए वो ऑफलाइन ज़रूर देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत बधाई सर आपको।